शाहरुख खान किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं, उनकी हर फिल्म को देखने की उत्सुकता रहती है। अब उनकी नई फिल्म माई नेम इज खान का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। क्या शाहरुख खान, काजोल और करण जौहर एक बार फिर इतिहास रचेंगे? चलिए शाहरुख खान से जानते हैं। शाहरुख, बॉलीवुड बिजनेस में आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन बॉलीवुड बिजनेस। सबसे पहला सवाल, हर शाहरुख खान फिल्म से बेशुमार उम्मीदें जुड़ी रहती है और माई नेम इज खान से भी बहुत 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 उम्मीदें जुड़ी है, सभी की नजरें आप ही की फिल्म पे है। बिल्कुल सही है, उम्मीद पर दुनिया कायम है तो उम्मीद तो रहनी चाहिए और हमेशा कोशिश यही रहती है कि उम्मीदें इंशाल्लाह बढ़ती रहें और हम उन उम्मीदों से ज्यादा बढ़कर काम करें। कई बार सही हो जाता है, कई बार नहीं होता है। जब सही हो जाता है तो वही करना पड़ता है तरन मुझे, जो पिछली बार क्या होता है कि अब ज्यादा मेहनत करो, कि इस उम्मीद से भी ज्यादा उम्मीद होगी अगली फिल्म में तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जब उम्मीद से कम होती है तब भी यही होता है कि यार ये तो गलत हो गया, अब तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सो बॉटम लाइन यही होती है कि हर फिल्म के लिए इंडिविजुअली अपनी एक स्पेस के अंदर हमको ज्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी, चाहे पिछली वाली अच्छी हुई या बुरी हुई। माशाल्लाह गॉड हैज बीन काइंड, पिछली सारी फिल्में अच्छी ही हैं मेरी, लोगों को भी पसंद आई हैं, हमने बना भी ठीक ठाक ली थी। तो यही उम्मीद रहती है कि हर नई फिल्म पुरानी फिल्म से हम नई चीज के लिए कुछ नया सीख रहे हैं। सो खान के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं, मेरे अलावा भी करण है जो मुझसे कई गुना टैलेंटेड है, काजोल है जो मुझसे कई गुना टैलेंटेड है, सिनेमाटोग्राफर है रवि और राइटर्स हैं। आई थिंक बहुत खूबसूरत टीम है एंड यही उम्मीद है कि पिछली वाली से ज्यादा अच्छी होगी। तो अब लोगों पे डिपेंड करता है, एक्चुअली लोगों पे नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि हर बार आप बोलें कि पिछली बार हमने 97 मांगा था, अब हम 98 मांगते हैं और मैं कोशिश यही करूं कि मैं 100 दे सकूं। सो आई वर्क लाइक दैट, आई लाइक टू वर्क लाइक दैट। इट्स नॉट ओनली अ चैलेंज, इट्स माय ड्यूटी to please you more than you expect me to please you. Wow, you know, but jab Shahrukh Khan, Kajol aur Karan Johar saath mein aaye hain, to it's been magical at the box office. Matlab aapki har film mein ek naya record sthapit kiya hai. Is baar bhi bas yahi ummeed kar rahe hain log. Haan, to jaisa mujhe log actually baba bolte hain ki tum nervous ho gaye, tum logon ne itna kiya hai. उसका दूसरा पॉजिटिव देखने का नजरिया ये है कि लेकिन हम तो सेफ फील करते हैं, हर बार ही करते हैं तो इस बार भी अच्छा हो जाएगा। बहुत दिल से मेहनत से बनाई है, हम यही बोल सकते हैं, ज्यादा तो नहीं बोल सकते, शो ऑफ लगेगा कि बहुत मेहनत से फिल्म बनाई है। लव स्टोरी है उसके अंदर, कोई एक अच्छी सी बात भी है, कैनवस बहुत बड़ा है, एक मैंने आपको पहले भी बोला एक स्लाइस ऑफ लाइफ है जो बड़े कैनवस पर है, तो एक अलग किस्म की फिल्म है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस मुकाम पर करण है, काजोल है, थोड़ा बहुत मैं हूँ, अगर हम लोग कोई नई चीज नहीं करेंगे तो आप लोग बोर हो जाएंगे, ऑडियंस को लगेगा कि हाँ यार कुछ कुछ होता है कि बात भी वही कर रहे हैं। काजल ने किसी इंटरव्यू में बोला कि अब मैं और शाहरुख 16 साल के नहीं है, अब हम बड़े हो चुके हैं, मैं तो 19 साल का हूँ, आपको मालूम है मैं तो उम्र बढ़ गई है। तो 100% हम भी इवॉल्व हुए हैं और हमको ये लगता है कि अब हमारा हक है ऑडियंस के ऊपर ये कहने का कि आप लोगों ने हमारी उस नई चीज को इतना बढ़ावा दिया, इतना प्यार दिया, ये हमारा फर्ज है कि हम आपको अब उससे भी ज्यादा और बहुत ज्यादा नई चीज दें कि आप कह सके कि हाँ हमको करण, शाहरुख और काजल बहुत अच्छे लगते हैं और इसलिए अच्छे लगते हैं कि नई चीज ट्राई करते हैं। करण, मैंने और काजल ने मेहनत की है तो कहीं ना कहीं पे रंग लाएगी, फिर आप उसको दे देंगे 4 स्टार या 5 स्टार दे देंगे तो थोड़ा सा और 2-4% बढ़ जाएगा, वो हम बाद में बात करते हैं। यू नो, अभी अभी आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि लोग आपसे पूछते हैं कि इस बार आप नर्वस हैं, क्योंकि इससे बड़ा कॉम्बिनेशन एक बार फिर और आज की तारीख में जो आपकी पोजीशन है और आज जो आपकी फिल्में बिजनेस करती है, पहले नहीं करती थी, ऑफकोर्स पहले भी बहुत करती थी, पर आज जिस ऊंचाई पे आप खड़े हैं वो ऊंचाई बहुत कम लोगों को नसीब हुई है, शायद किसी को नसीब नहीं हुई है, तो आपको आपको कहीं ना कहीं वो नर्वसनेस की फीलिंग आती है, थोड़ा डर लगता है कि पता नहीं किस तरह लोग रिएक्ट करेंगे इस फिल्म में। नहीं, डर तो तब लगता है जब एग्जाम के लिए तैयारी ना की हो, डर तो तब लगता है कि रेस के लिए प्रैक्टिस ना की हो, डर तो तब लगता है जब किसी चीज का इम्तिहान है और उसके लिए हमने लगन से काम ना किया। मुझको ये भी मालूम है तरन कि ये जो मुकाम मुझे मिला है मेरी हैसियत से बहुत ज्यादा है, सचमुच मैं शायद इतना इसके लायक नहीं। Really? हाँ, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मुझे लगता है खुदा ने और ऑडियंस ने मुझे बहुत ज्यादा दिया है, मतलब जैसे थोड़ा माँ और बाप का बायस होता ना, जैसे कि बेटा कैसा भी है हमारे को तो अच्छा ही लगता है, तो मुझे लगता है ऑडियंस मुझे वैसा ट्रीट करती है कि कैसा भी यार अपना ही बच्चा है,
अच्छा है, हमें तो अच्छा ही लगता है, इसके डिंपल ही अच्छे हैं. सो आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ लव, बट व्हाई हैव आई गॉट इट. मैंने ये एनालाइज कई बार सोचा है, यार इतना मिला है, इतना लोग इज्जत करते हैं, इतना प्यार करते हैं, जैसे आपने कहा फिल्में चलती हैं, तो क्यों है ये? सिर्फ मेरी मेहनत का नतीजा है ये? किस लिए है? आई थिंक वो इसलिए है कि मैं बड़ा अर्नेस्टली और ऑनेस्टली फिल्म बनाता हूँ. उसके साथ मैं कभी दोगलापन नहीं करता, उसके साथ मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता. मैं कभी फिल्म के लिए बिक नहीं जाता हूँ, मैं उसको स्पिरिचुअलिटी के हद तक मानता हूँ. मैं शायद इतना अच्छा एक्टर नहीं हूँ, मैं शायद इतना अच्छा प्रोड्यूसर नहीं हूँ, वो सब सच हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं फिल्म बहुत सच्चाई से बनाता हूँ कि मेरे को बिलीव है कि ये सबसे अच्छी चीज़ है, ये कहानी इस वक्त सबसे अच्छी कहानी जो मेरे पास है. इसलिए मैं दूसरों की फिल्मों की बात नहीं करता, ना बड़ाई करता हूँ, ना उनको कमतरी से देखता हूँ. आई बिलीव कि मुझे ये सब जो मिला है इस अर्नेस्टनेस की वजह से मिला है कि देयर विल बी लॉट ऑफ क्रिटिक्स हू विल से ये ठीक नहीं था, वो सब मानता हूँ मैं. बट समवेयर मैं ये भी मानता हूँ कि मैंने ये बहुत सच्चे दिल से किया यार, ये मैंने बहुत मेहनत करके किया. मैंने कभी भी ये जो सब मिला है बॉक्स ऑफिस की कसौटी से नहीं गिना कि 42 करोड़ इज स्मॉलर देन 48 इज बिगर देन 70. नहीं, मैंने ये किया कि ये मैंने फिल्म की, मैंने बहुत मेहनत से की, नहीं चली या चली, लेकिन उसके अंदर मुझे सिर्फ ज्यादा जोश दिखाना चाहिए था, ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी. मुझे कभी ऐसा नहीं लगता ये मार्केटिंग से चली, ये लक से चल गई. मुझे ऐसा लगता है ये इसलिए चली कि गुडनेस से बनाई. सो खान, हर साल मैं हर फिल्म जो बना रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं और अच्छा इंसान बनता जा रहा हूँ. और ये थोड़ा फिलोसॉफिकल है शायद, और बिजनेस शो के ऊपर शायद अजीब सा साउंड करे, बट मैं ये बोलना चाहूंगा कि दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस एक्चुअली बहुत ही छोटे पैमाने पर पैशन से शुरू हुआ था. सो वो छोटा पैमाना मैं अभी भी रखता हूँ. ये कहानी क्या है? वंस अपॉन अ टाइम, यस दिस इज द पैशन आई पुट इनटू दिस वंस अपॉन अ टाइम. एंड आप किसी भी बिजनेस को कभी भी एनालाइज करना, फ्रॉम द ग्रेट टाटास टू द बिरलास टू द अंबानीज टू वॉरेन बफेट टू बिल गेट्स, आप ये करें, आपने शुरुआत कैसे की? कि यार मैंने तो ये इतना सा सोचा था और बड़े दिल से सोचा था और फिर ये काफिला बढ़ता चला गया. सो आई बिलीव इन एवरी फिल्म कि यही कर रहा हूँ, बस मैं ये बहुत प्यार से करूंगा, इसमें बहुत पैशन है, जान चली जाए, ये फिल्म अच्छी बन जाए. और आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट आई हैव गॉट ऑल दिस. कभी 10 होता है, कभी 15 होगा, मैंने आज तक ना गिना है. यू नोन मी फॉर इयर्स, आई डोंट नो हाउ ऑफन यू मस्ट हैव नोन. मैं तुमसे वैसे बात करता हूँ बहुत, आई रिस्पेक्ट व्हाट यू से अबाउट अ फिल्म, आई रियली अंडरस्टैंड. शुरुआत में जब मैं यंगर था, अरे यार तरन ने क्यों बुरा बोल दिया, देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि तरन एक्चुअली उसका पैमाना अलग है, वो समझ अलग है, और उसकी अंडरस्टैंडिंग, एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट इट. सो आई एम मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दैट, बट आई डोंट कॉल यू ऑफन टू फाइंड आउट उस वक्त बिजनेस कैसा हुआ. यू नो मी फॉर इयर्स, यू आर अ फ्रेंड, एंड बट आई हैव नेवर आस्क्ड यू फॉर दैट. आई नो आई विल से शाहरुख अच्छा है, बस दैट्स द लास्ट कॉन्वर्सेशन अबाउट बिजनेस. यस आई कैन कन्वर्स अबाउट द फिल्म विद यू, आपको उसमें क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, अगली कैसे करें, आई विल शो इट टू यू, बट आई नेवर डिस्कस्ड विद यू. तो उधर इंटीरियर में क्या है कलेक्शन, आई हैव नेवर आस्क्ड कलेक्शन, आई हैव नेवर आस्क्ड माय ऑफिस आल्सो. सो आई, वो पैमाना नहीं है मेरा. मेरा है कि आई थिंक मैं मेहनत करता रहूं, करता रहूं, करता रहूं, ये खत्म हो अगली वाली पे चला जाऊं. सो आई थिंक दैट्स व्हाई सो मेनी एक्सपेक्टेशंस आर देयर, एंड आई विल नेवर फॉल शॉर्ट ऑफ दैट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम माय डायरेक्टर, माय प्रोड्यूसर, माय डिस्ट्रीब्यूटर, एंड फ्रॉम माय ऑडियंस. देयर विल नेवर बी एन ऑडियंस व्हिच विल कम आउट ऑफ अ फिल्म व्हिच इज ट्रूली माइन, कि यार इसने पैशन से नहीं की. ये तो मुझे पक्का मालूम है, उस पैमाने पे मैं हमेशा खरा ही उतरूंगा. बाकी बॉस का जो पैमाना है बॉक्स ऑफिस का, वो मुझे आप बता देना कि कैसा है. जब आप और काजोल साथ में आए हो, चाहे वो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, कई फिल्में बाजीगर, चाहते हुए या न चाहते हुए आपकी नई फिल्म को उन फिल्मों के साथ भी कंपेयर किया जाएगा? हाँ तो कर ले, कोई बात नहीं, उसे अच्छी बनाएंगे हम, ऐसा थोड़ा हर बार जो हमने फिल्म, मैं ये नहीं कह सकता कि बाजीगर से बेहतर करण अर्जुन थी, उससे बेहतर दिलवाले थी, उससे बेहतर कुछ कुछ होता थी, ऐसा नहीं कहूंगा, गलत है. उससे अच्छी कभी खुशी कभी गम थी, क्योंकि हर फिल्म की अपनी एक जिंदगी होती है. मुझे लगता है वो 4-5 फिल्में बहुत ही अच्छी थी, मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी फिल्मों में से है. मेरे लिए काजल के साथ काम करना मेरी फिल्मी करियर का सबसे बड़ी बात है. उसमें करण, आदि, अब्बास मस्तान, तीनों लोग मेरे बहुत डियर हैं, जिनके साथ मैंने क्या, राकेश जी, द ऑल फैमिली लाइक फॉर इयर्स नाउ. सो आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस, एंड मुझे और काजल को कभी ऐसा नहीं लगता कि हम उससे कम काम करेंगे. तो ये पांचों को मिला लें और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लें,
हमारा बिलीफ है कि अगली फिल्म उससे बेहतर होगी, और जब इंशाल्लाह खान लोग मान लेंगे उससे बेहतर है, उसके बाद फिर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 फिल्मों को, और इसी कोशिश इसी उम्मीद के साथ काम करेंगे। बिकॉज ये पॉजिटिविटी आई थिंक करण, काजोल और मुझ में बहुत है कि ये तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। शायद आई थिंक 30-40% इसी बात पर बात निकल जाती है, कितनी खुशी से हम फिल्म करते हैं कि लोग उसको फील कर जाते हैं कि यार ये इतने इंजॉय कर रहे हैं तो अच्छी ही बात होगी। आई थिंक दैट फीलिंग कम्स अक्रॉस इन टू डायमेंशन की स्क्रीन में से बाहर निकल के, वो थर्ड डायमेंशन कहता हूँ मैं उसको। मैं हमेशा कहता हूँ जब करण काजोल उन काम करते हैं तो एक थर्ड डायमेंशन होती है। वो थर्ड डायमेंशन ये है कि हम बहुत इंजॉय करते हैं, वी रियली इंजॉय डूइंग बिलीविंग इन दिस। एंड व्हेन आई से इंजॉयिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हम हंसी ठट्ठा करते हैं, मजाक करते रहते हैं, वो सब है, बट हम इस फिल्म को बनाने में बहुत वी आर वेरी हैप्पी डूइंग दिस। वी आर नॉट डूइंग इट एज अ जॉब, वी आर नॉट डूइंग इट एज अ बिजनेस, वी आर नॉट डूइंग इट ये दिल वाले से बेहतर हो, वी जस्ट डूइंग इट बिकॉज वी बिलीव दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू, एंड आई थिंक दैट फीलिंग कम्स अक्रॉस। एंड तो आप कह रहे हो अगर कंपेयर कर रहे हैं तो कर लें, लेकिन विद ऑल बिलीफ एंड ऑल लव एंड ऑल ह्यूमिलिटी will always inshallah surprise you. Yeah, wow, fantastic. But you know, film industry mein people are comparing it with even Three Idiots. Log ye keh rahe hain kyunki Three Idiots mein wo unchaiyan. Acha, main samjha tum keh rahe ho Karan Kajal aur mujhko Three Idiots bol rahe hain. Nahi. Nahi, but jo Three Idiots ne bhi jo business kiya hai aur jo business kar rahi hai to logon ki aankhein khul gayi ki is tarah ka business bhi hota hai. Aur ab wahi ummeed ki ja rahi hai ki aapki film bhi us business ko cross karegi. See, I don't know the business of Three Idiots, but you've told me, everybody's told me it's the biggest grosser ever. And mashallah, and I'm very happy for Vinod and Raju and Amir and the whole team, Madhavan and Sharman. I think bahut mehnat Kareena, they've done a lot of work. Film ki kahani maine bhi padhi thi, bahut khoobsurat kahani hai. Aur uska haq hai ki wo business kare, kyunki acche dil ki baat thi usme, padhai ki baat hai. Maine thodi bahut dekhi hai aur uske andar performances aur jo jokes hain, sense of humor hai, I think fantastic hai. Aur uska business obviously unko bhi nahi malum hoga कितना बड़ा जाएगा, आपको भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम। तो किसी फिल्म का बिजनेस हम आई डोंट नो कि एटलीस्ट जो लोगों को मैं जानता हूं, तरन और आप भी जानते होंगे, हम ऐसा बैठकर कभी किसने फिल्म बनाई, 70 सीन होते हैं नॉर्मली फिल्म में, 65 से 70 सीन की, 35 फर्स्ट हाफ में, 35 दूसरे हाफ में, 6 गाने, ये 2 सीन हो गए 2.5 करोड़, ये हो गया 35 तक तो पहुंच गए हाफ टाइम तक यार, और ये हो गया 250, बाकी ओवरसीज का हाँ ये डाल देते तो ओवरसीज ही हो गए भैया 350-400 करोड़ रुपए हो गए। अब तो ये ऐसे तो कोई फिल्म नहीं बनी, आई थिंक Three Idiots भी ऐसी नहीं बनी होगी, राइट। मुझे याद है जब विनोद और राजू बैठते थे और आमिर भी बात करते हैं फिल्म के, सिंपल सी अच्छी सी थॉट है। सो आई विल नॉट बी एबल टू से दैट विल वी डू बेटर देन दैट और नॉट, राइट। इफ वी डू बेटर देन दैट, खान विल स्टिल रिमेन स्पेशल टू मी बाय वर्च्यू ऑफ इट बीइंग खान, not because it has crossed somebody's business. Similarly, if it doesn't do as well as that, Khan will still remain more special to me because it was Khan like that. It is like a, again I'll say the same, main bachchon se bahut pyar karta hu. Film jo hoti hai apna bachcha hota hai, to apna bachcha har situation mein acha hi lagta hai. I truly believe a child Khan will be really appreciated. Wo race mein bhagega और इंशाल्लाह फर्स्ट आएगा, और अगर नहीं भी आया तो हमारा ही बच्चा है, नंबर 2 भी अच्छा रहेगा, 3 भी अच्छा रहेगा, लास्ट भी अच्छा रहेगा। मैंने पिछले तकरीबन 20 सालों में 70 फिल्में बनाई हैं, तो मेरे बच्चे कई बार आखिरी भी आए हैं, कई बार रेस से निकाल दिए गए हैं, और कई बार यूसेन बोल्ट की तरह सबको पीछे छोड़ के निकल गए, राइट। बट आई फील एज हैप्पी अबाउट फिर भी दिल हिंदुस्तानी, एज अबाउट अशोका, एज अबाउट चलते चलते, एज अबाउट दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। So I can't compare it, but yes, as a businessman, co-producer of the film, yes, tamanna to yahi rahegi. Right. Karan itne acche director hain, wo har cheez ko bahut acha mix karte hain, commerce ko bhi karte hain, emotion ko bhi karte hain, business ko bhi karte hain, aur story ko bhi karte hain. Dialogues khoobsurat likhte hain. Shahrukh hain, Kajol hain, Karan hain. On the face of it, I think it looks like it's safe to say that the film has a very positive feel. कंपैरिजंस मैंने जैसे शुरू से ही बोला, मैं फिगर्स में तो जाता ही नहीं, राइट। मैं तो बार बार बोलता हूँ, मेरे को भी कभी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 7 ना मैं ना मेरी फिल्म में टेलीफोन है कि उनमें नंबर हो। आई थिंक हम इंसान हैं और अच्छी कहानियां बोलते हैं, राइट। और ओनली टेलीफोन्स हैव नंबर्स, एंड आई डोंट यूज नंबर्स एज अ गेज फॉर ह्यूमन बींग्स और फिल्म्स। आई यूज द स्टोरी, सम दे आर गुड स्टोरीज, एंड आई थिंक पीपल विल लाइक दिस अ लॉट। कंपैरिजन जिनके दिल में है वो करते रहेंगे, सही।
कितना चलेगी, इसका प्लेटफॉर्म अलग है, ये फेज में भी रिलीज होगी फिल्म. एग्जैक्टली यही मेरा एक्चुअली अगला सवाल है आपसे. बट यू नो आपने कंपैरिजन की बात कही, मैं आपकी बात से कंप्लीटली एग्री करता हूँ, बट मीडिया आज की तारीख में यही सोच रही है. इनफैक्ट मैं निकल रहा था, आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल एंड इट सेड कि अब आमिर खान ने ये पोजीशन हासिल कर ली है थ्री इडियट्स, शाहरुख खान की बारी है. नाउ ऐसे सवाल आई एम श्योर आपने भी सुने होंगे, आपने भी पढ़े होंगे, आपने भी टेलीविजन पे देखे होंगे. हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट? पहले रिएक्ट करता था तरुण, अभी तो इतने अजीब से सवाल पूछे जाते हैं. अच्छा, तो देन क्या रिएक्ट करें अभी? आई डोंट नो, थोड़ा सा गलत ही होगा अगर मैं उसको बहुत पर्सनली या इमोशनली रिएक्ट करना शुरू कर दूं. आई थिंक वेरी ट्रूली कि जितने भी स्टार हैं मुझसे बड़े ही हैं, मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं है ये मानने में, ये समझने में और ये बिलीव करने में. क्योंकि एक साल था जब लोग मुझको मेरी रिलेशनशिप खराब करने पर तुले हुए थे अमित जी के साथ. मैं बहुत प्यार करता हूँ उनको, बहुत रिस्पेक्ट है, वो भी बहुत प्यार करते हैं मुझको, एंड हमसे बड़े हैं तो सड़क रूम में आते हैं, उनकी तो फिल्म आ जाए टीवी पे तो हम खड़े हो जाते हैं देखने के लिए. बट पीपल केप्ट ऑन सेइंग कि ये नंबर वन है, कि उनकी फिल्म है, तो ये थोड़ा सा गलत लगता है, मुझे गलत लगता है. लेकिन ये सच्चाई है कि लोग ऐसे बातें करते रहते हैं. तो ये मेरी सच्चाई नहीं है, ये आपकी सच्चाई नहीं है, ये अमित जी की या आमिर खान की या सलमान खान की उनकी सच्चाई नहीं है, ये मीडिया की सच्चाई है. इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है. So, आप अगर वो सवाल पूछ रहे हैं और अगर आपको इसका जवाब कहीं पर खुद ही दे रहे हैं तो गॉड ब्लेस यू एंड बी हैप्पी विद दैट. अगर आप किसी दिन बोलते हैं, उतना ही मैं इसको मानता हूं कि लोग मुझे कई नाटक ले भी पढ़ता हूं, बादशाह खान की बादशाहत अब चांद पर पहुंच गई है, बादशाह ऐसे है, तो मैं उसको भी कोई ऐसा नहीं मानता कि यार ये बात सही है, ये जो चैनल बोल रहा है या ये जो न्यूज पेपर ये सही है वो गलत है. आई थिंक सच्चाई एक्चुअली ऑल द गुड थिंग्स that are said in media are exaggerated about me. All the bad things also said in the media are a little exaggerated about me. The truth lies somewhere in the middle. और वो truth मुझको मालूम है कि यार इतना अच्छा भी नहीं हूँ मैं, इतना बुरा भी नहीं हूँ मैं कहीं यहीं बीच में हूँ और ये मुझे मालूम है क्योंकि I lead my life. But when somebody is really praising me, I'm thankful. कि भाई thank you, गाली नहीं दी. मैं लोगों को बोलता हूँ it's better to be called a बादशाह than a struggler. So it's nice, but मैं उससे carried away नहीं हो जाता हूँ कि मैं घर के अंदर मेरे डाइनिंग टेबल पे मेरा थ्रोन नहीं है कि मैं बादशाह हूँ तक लिया मेरे घर के अंदर मैं आता हूँ खाने के लिए, लेट हो जाऊँ तो खाना नहीं मिलता है. Similarly, when I'm down and when people say your film hasn't done well and it's not as good as it was last year, yes, I feel bad and I want to work harder. लेकिन ऐसा नहीं है कि डाइनिंग टेबल से मेरी बीवी मेरी कुर्सी हटा देती है कि तुम खाना नहीं मिलेगा, तुम्हारी पिक्चर नहीं चली. तो यू हैव टू एक्सेप्ट एंड लिव विद दैट एंड यू नो फाइंड योर वे.